मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई जननी एक्सप्रेस के पहिए थम गए हैं। सेवा बंद करने के पीछे कंपनी के द्वारा बकाया डिपॉजिट राशि और 2 माह से वाहन का किराया न देना बताया जा रहा है। जननी एक्सप्रेस के बंद हो जाने से प्रसूता महिलाओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिजन गर्भवती महिलाओं को ऑटो में लेकर आने को मजबूर हैं। वहीं रतलाम जिले में 18 जननी एक्सप्रेस बंद होने से गर्भवती महिलाएं परेशान होने को मजबूर हैं। यह मध्य प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज हमारी पूरे मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस सेवा बंद हो गई है। इसका कारण यह है कि हमारा टेंडर 8 तारीख रात को 12:01 पर समाप्त हो गया, इसलिए हमें आगे चलाने की कोई किसी जानकारी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा या जिस कंपनी से हमारा अनुबंध था उन्होंने कोई अभी तक सूचना नहीं दी, इसलिए हमने गाड़ियाँ खड़ी कर। प्रतिदिन कितने लोगों का, महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का आवागमन आप करवा देते हो और कितना आप आज प्रभावित हुआ? लगभग 8 से 10 महिलाओं को एक वाहन करीब लाना ले जाना दोनों मिला कर। जिले में कितनी महिला आज प्रभावित हुई होगी? और जिले में आप मान लो लगभग 15 गाड़ी है, 170 महिलाएं को आज सेवा नहीं मिल पाई, इसका दुख हमें है, पर क्या कर सकते हैं, इसकी मजबूरी, हमें भक्का नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी कैसे चलाएं। अब क्या मांग है आपकी, आगे क्या मांग है? आगे शासन चाहता है हम गाड़ी चलाने सेवा देने में तैयार हैं, ठीक है। हमने 2 महीने बगैर मतलब निस्वार्थ गाड़ी चलाई है, हमारा प्रतिमाह 5,000 पर महीने का नुकसान भी वो हमने सहन किया और टाइम टू टाइम हमने पूरा किया। अभी कंपनी कह रही है 3 माह के लिए आगे बढ़ाने को तैयार है, पर हमारी शर्त यही है कि पेट्रोल रेट को देखते हुए हमें भुगतान दिया जाए, हम प्रशासन के साथ हैं।